एक बच्चा कहता है सर हिम्मत नहीं है कि अब तैयारी करूं, तो मेरे भाई क्या करोगे, चलो तुम खुद बता दो मुझे, अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो क्या करोगे, क्या आपने कोई अपने लिए कोई बैकअप प्लान सोचा है भविष्य में, बताइए, कि आपने कुछ और सोच रखा हो कि हम बिजनेस कर लेंगे, दुकान खोल लेंगे, खेती कर लेंगे, बताओ। मेरा बड़ा सिंपल सा एक सॉल्यूशन रहता है, मेरा भाई सिंपल सा जवाब रहता है कि मतलब अगर आपके पास कोई प्लान है, अगर आपके पास कोई बिजनेस है, अगर आपके पास कोई दूसरा मॉड्यूल है, आपके पास कोई नौकरी है दूसरी, तो एक पल के लिए तो शायद आप ये बात सोच भी लें यहाँ पर कि हाँ चलो हम तैयारी नहीं करेंगे, हमारा काम हो जाएगा, हम अपना बिजनेस कर लेंगे, अपना दुकान चला लेंगे, अपनी जो नौकरी है मतलब जहाँ हम करते थे वहाँ वो कर लेंगे। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास तो ये समझ लीजिए कि जो है सो यही है, इसी रंगभूमि में उतरना है आपको और इसी में अपने आप को साबित भी करना है। बस गलती आपसे इतनी हो रही है कि आप ज़्यादा समय ले रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ काफ़ी कम समय के अंदर में की जा सकती है उसको आप बिरबल की खिचड़ी बनाकर जो है जो पूरा का पूरा रायता फैलाए बैठे हैं। तैयारी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा इतना समय SSC या कोई गवर्नमेंट एग्जाम लेती भी नहीं है, हमने खुद क्वालिफाई किया है, कौन ऐसी नौकरी नहीं है जो हमने क्वालिफाई नहीं किया है, ऑल इंडिया रैंक हमारा 114 है CHSL में, हर पेपर में मेरे 50 50 50 स्कोर है, मैथ 50 में 50, इंग्लिश 50 में 50, रीजनिंग 50 में 50, ठीक है, अगर हम CGL की बात करें तो CGL से हम एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हैं, इतने सारे नौकरी IB हमने निकाल रखा है, CDS हमने निकाल रखा है, ठीक है, तो सभी एग्जाम्स को निकालने के बाद कहीं एक्सपीरियंस हम आपको बता रहे हैं कि इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, बस हाँ थोड़े से डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ अगर मेहनत की जाए और 1 साल का समय हो आपके पास, ठीक है, और आपके पास अपनी लगन हो, आपके पास अपनी ताकत हो, अपना डेडिकेशन हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक पाएगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, परसिवियरेंस बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं है तो आप खत्म हैं, बस समझ लीजिए।